अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब जीशान। समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मैं मौका पेसिक्स में मौजूद हूँ और कुछ जानी पहचानी सी जगह आपको लग रही होगी, तो यकीनन मैंने आज डायरेक्ट इनके किचन में एंट्री मारी और मैंने कहा आज शेफ तारिक को रंगे हाथों पकड़ना है कि बेसिकली बना क्या रहे हैं। रोज़ इफ्तारी में तो ऑलमोस्ट सेम ही मेन्यू होता है, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया ट्राई करें, लेकिन आज आपकी खातिर शेफ तारिक साहब ने अपनी जो भी वो करने जा रहे थे उसको रोक लिया। रेड सॉस पास्ता की सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। आज बेसिकली हम लोग आपके साथ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। शेफ तारिक साहब, कितना वक्त लग जाएगा बनने में, पहले तो ये बताइए। 5 से 6 मिनट में नाजिन ये सारा रेडी हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके सामने बनेगी, मेरे साथ ही रहिएगा शेफ तारिक और मैं अभी इसकी सारी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ हमारे सामने पड़ी है। मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास टोमेटो सॉस है, उसके बाद हमारे पास बॉयल्ड पास्ता है, पेनी पास्ता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स हैं, चिकन और चीज़ है, चीज़ है, ठीक है, चिकन को ग्रिल करके हमने रखा हुआ है। दूसरी जानब नाजिन आप देखें कि हमारे पास टोमेटो सॉस मौजूद है, उसके बाद हमारे पास अनियन है, गार्लिक है, ड्राइड हर्ब्स हैं, सॉल्ट है, क्रश्ड चिली है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है। सारी मुझे स्पाइसेस के नाम याद हो गए हैं, देख के पहचान हो जाती है। और अभी मैं आपके साथ पास्ता भी बनाने लगी हूँ, तो मेरे साथ ही रहिए, हम बढ़ते हैं चूल्हे की ओर। तो अब हम लोग आपके साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी, प्रॉपर तरीकाकार शेयर करने जा रहे हैं। हमें शेफ तारिक साहब बताएंगे कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। जी शेफ साहब, सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक हो गया, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी हमने यहाँ पर बेकिंग ओवन अपना ऑन कर रखा है और ये रेस्टोरेंट्स का जो बेकिंग ओवन होता है मोस्टली ये ओपन होता है, तो शेफ साहब ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो उसकी हीट मेरे फेस पे पड़ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरा जोश और जज्बा कायम है रोजे की हालत में कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ रेसिपी शेयर करके यहाँ से हटूंगी। अच्छा, फिलहाल हमने इसमें अनियन ऐड किया जी और हम उसको ब्राउन कर रहे हैं, हल्का ब्राउन करेंगे। गार्लिक नहीं ऐड किया अभी जी, अभी नहीं जी। नाज़रीन, अब हम इसमें गार्लिक ऐड करने जा रहे हैं, 1 टीस्पून। आप मुझे बता दें, मैं आपको हर चीज देती हूँ जी, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। मैं भी कह सकूं मैंने बनाया था, शेफ साहब ने तो बस चम्मच ही हिलाया था। अच्छी तरह से ये ब्राउन हो रहा है जी, और साथ टोमेटो पेस्ट ऐड करें, टोमेटो पेस्ट, ये वाली ठीक है, ये हमने टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड कर दी। लेकिन कोई बात नहीं ना, कुकिंग में इसी चीज का मजा आता है। मुझे बहुत शौक है वैसे कि मैं भी इतनी अच्छी शेफ बन जाऊं कि मैं जब कुकिंग करूं ऐसे इसमें से आग निकले। बताइएगा शेफ साहब, सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करने जा रहे हैं जी। हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, हल्का से ज़्यादा है। वाइट पेपर हाफ टी स्पून, मेरा हाफ टी स्पून भी फुल टी स्पून लग रहा है, बिल्कुल कम, टी स्पून से भी कम। स्पाइसी अच्छा लगता है, डालने दें, आ जा मेरे तरीके से बना के देख लें। अच्छा, के बाद हम ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं और ड्राइड हर्ब्स जी जी, ओरिगानो, ओरिगानो है ये, ठीक है, ड्राइड ओरिगानो है, फुल टीस्पून नहीं, हाफ टीस्पून ड्राइड ओरिगानो बना रही है ना, 1% की सर्विंग है, ठीक है। चिकन पाउडर, चिकन पाउडर हाफ टीस्पून और व्हाइट पेपर बिल्कुल कम क्योंकि हम ब्लैक पेपर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पेस्ट इसकी बहुत अच्छी तरह से बन रही है। एंड आई एम स्वेटिंग, मेरी कोशिश है हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मेरी सॉस इसमें से आग ना निकले जी, नहीं निकले क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस पे यहाँ से हीट पड़ रही है, यहाँ से हीट पड़ रही है। और रोजे में जितनी भी ख्वातीन या मर्द हजरात इफ्तारी बनाते हैं, सहरी बनाते हैं, उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपका रमजान एक्चुअली में खूबसूरत बनता है। रोजे की हालत में दिल नहीं करता इफ्तारी से पहले, बस दिल करता है कि आप इबादत करें, आप बैठें, वक्त गुजारें, अल्लाह से दुआ करें, लेकिन फिर भी जब आपके सर पर जिम्मेदारी होती है कि आपने सारे घर की इफ्तारी का तमाम करना है, तो आप वो वक्त अपना किचन में गुजारते हैं। तो उनके लिए भी खास दुआएं करें जो आपके लिए मेरे साथ इस वक्त किचन में
कई ऐसी खातिन होंगी सॉस रेडी काम कर रही होंगी। सॉस हमारी रेडी है नाजिर, अब हम इसमें पास्ता ऐड करने जा रहे हैं जो हमने बॉइल किया हुआ है ऑलरेडी। और आप देखिए सॉस कितनी ज्यादा है और पास्ता कम है। अभी ये सिर्फ पास्ता रेडी हुआ है, अभी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ये मेरा पास्ता रेडी है। हमारा पास्ता रेडी है, अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग आपको दिखाते हैं, तो दो मिनट और मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़िर, तो अब हम लोग पास्ता जो है वो इस डिश में कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। शेफ साहब से मैंने जिद करके पैन अपने हाथ में ले लिया और मैंने कहा मुझे करने दें प्लीज। तो ये आपके सामने, शायद मैं उस तरह से ऐड नहीं कर रही हूँ जिस तरह से शेफ साहब करते होंगे, लेकिन हमने अपनी एंट्री तो हर चीज़ में मारनी है, आखिर हम मौका फेसिक्स में मौजूद हैं। और मौका ने मेरे पे अगर मेहरबानी कर ही दी है तो फिर मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। अब हम इस पर गार्निश कर रहे हैं चिकन को, चिकन की यानी कि जो हमने ग्रिल किया था उसके हम बारीक बारीक स्लाइसेस कट करके इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर रहे हैं। मिक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें। चिकन तो अच्छा लगता है, ठीक है। इसको आपने क्या किया हुआ है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के फ्राई किया हुआ है, ऑयल में फ्राई किया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शनल है वैसे, ये लाजमी है, ऑप्शनल है। ब्लैक ऑलिव्स है, अच्छा सब ऊपर स्प्रेड कर दें, ऊपर तो चीज़ आ जानी है। अच्छा वैसे ये होता है जब आप शेफ होते हैं ना, तो यू नीड एवरीथिंग टू बी वेरी वेरी परफेक्ट। आपने प्लेट में स्पून जिस तरह से रखना है आपने उसी तरह से रखना है, आप उसका टेढ़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को ना इस टाइम गर्मी इतनी लग रही होती है और जल्दी इतनी होती है कि हम वो खूबसूरती की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। खैर, हमारी ऑलमोस्ट गार्निशिंग जो है वो हो चुकी है और अब हम लोग इसको बेक करेंगे। ऐसी है शेफ साहब, ठीक है, हम इसको बेक करेंगे। इसको हम लोग बेक करते हैं, बेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और यकीनन देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ अभी इसको प्रॉपर प्रिपेयर करके भी शेयर करती हूँ। कुछ देर और मेरा साथ दीजिए और इसके बाद हमारा पास्ता रेडी होगा। जी नाज़रीन, तो पास्ता हमारा रेडी है और शेफ़ तारिक साहब जो हैं वो हमारी ओर बढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी कुछ देर पहले बेकिंग ओवन की ओर गए थे। और नाज़रीन, हमारा पास्ता रेडी है, रेड सॉस पास्ता, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डिश हॉट है, तो इसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। तो नाज़रीन, बहुत मज़े का रेड सॉस पास्ता हमारा तैयार है। शेफ साहब प्लीज़ मेरे साथ पकड़िए और हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये प्रिपेयर हुआ है, अपने इसको बेक किया है। आप अगर इसको बेक नहीं कर सकते तो फिर शेफ साहब मेरे ख्याल से ऐसे ही ऊपर चेडर चीज़ स्प्रेड कर दें। जी ऐसे कर दें, ठीक है फिर, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बेक होती है। हाँ, पैन में चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर क्रश करके। तो नाज़रीन, हमारा रेड सॉस पास्ता हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छे तरीके से शेफ साहब ने बनाया है। मैं इसको पर्सनली खुद भी घर जाके ट्राई करूँगी कल के रोज़े के लिए, लेकिन मेरा रमज़ान यहाँ पर गुजरा है, बट मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। आप लोग भी बनाएं अपने घर पर, यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। घर पर कोई अगर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, फैमिली को इफ्तार पार्टी पर बुलाना चाहते हैं, मस्ट ट्राई, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है, गर्मी से हम हालो बेहाल हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।